हरे कृष्णा सभी को। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ये बहुत ही प्यारी सी ड्रेस रेडी करने वाले हैं और इस ड्रेस को हम रेडी करेंगे पुराने कुर्ती और प्लाजो से। अगर आप इसे फैब्रिक से बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इसको बना सकते हैं। वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है ये मेरे पास ना एक पुराना सूट रखा हुआ था, ये कुर्ती है और नीचे इसके प्लाजो है। तो ये जो है चिकन का वर्क है इस पर और ये बहुत टाइम पहले का था तो मैं इसे नहीं पहनती थी और इसको चूहे ने काट दिया था, तो मैंने सोचा इसका एक ड्रेस बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कुर्ती है, इसको हम ना इस तरीके से सेट करेंगे। ऊपर का जो पार्ट है इसमें हम ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, तो सिंपली मैं ऊपर से जो है यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी जो भी हमें चोली की लेंथ रखनी है। अगर आप फैब्रिक ले रहे हैं तो आप उस पर भी चोली की जो लेंथ है जितनी भी आपको रखनी है उतना आपको मेज़र कर लेना है और उसको कट करके निकाल लेना है। शोल्डर और आर्म होल जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने जो है ये ऊपर का पार्ट अलग कर लिया, तो ये जो है ये हमारा ऊपर का टॉप पार्ट हो जाएगा और जो नीचे का ये बचा हुआ है यहाँ से हम निकाल लेंगे बॉटम को। तो बॉटम में हमें यहाँ पे ना प्लेट्स डाल के इसे सेट करना है। तो ये जो है मुझे कम लग रहा है, तो जो हमारा प्लाजो है उसमें से हम यहाँ पर फैब्रिक ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें बॉटम के लिए इतना फैब्रिक मिल गया है कुर्ती से। अब हमारा जो प्लाजो है उसको मैंने ऊपर से जो इलास्टिक लगी होती है उसको निकाल दिया है। मैंने जो ये इलास्टिक है ना इसको मैंने कट करके निकाल दिया था। उसके बाद जो ये हमारा प्लाजो है आप देख सकते हैं नीचे की साइड से ना चूहे ने सारा ख़राब कर रखा है, तो इसका जो है मैंने सोचा कुछ तो अच्छा सा आइडिया होगा जो हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर ना इस तरीके से मैंने नीचे वाली साइड से जो है जितनी सिलाइयाँ थी वो सारी कट कर दी और इसको जो है पूरा अलग कर लिया। तो ये जो है हमारा फैब्रिक आ गया प्लाजो का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर का फैब्रिक जो है वो प्लेन है और नीचे जो है वो हमारा वही है जो हमारा कुर्ती का है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से जितना भी अच्छा अच्छा फैब्रिक है वो हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो एक पैर से जो है हमारे पास इतना फैब्रिक आया है और सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला पैर है यहाँ से भी हम निकाल लेंगे। तो ये जो है दो पार्ट हमें इस तरीके से मिले हैं प्लेन वाले और दो पार्ट जो है वो हमें मिले हैं चिकनकारी फैब्रिक वाले। अब जो हमारे प्लेन वाला जो पार्ट है उसको हम लाइनिंग की तरह यूज़ करेंगे एंड इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे बॉटम में जो हमारा फ्लेयर है उसको बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कम पड़ रहा था। अभी इसको साइड करते हैं। अब जो हमने यहाँ पे टॉप पार्ट कट किया था इस तरीके से, अब इसमें मुझे ना नेक चेंज करना है, स्लीव्स चेंज करनी है। तो मैं यहाँ पर जो है सारी जो सिलाइयाँ हैं उनको खोल दूँगी, तो मैं यहाँ पर सिलाई कट नहीं करूँगी क्योंकि फिर कट करूँगी तो वो जो है फैब्रिक कम पड़ जाएगा। तो मैं जो है वहाँ पे सिलाइयाँ खोल के उसको बाद में मैं दिखाऊंगी। अभी जो ये फैब्रिक है पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास ना एक फैब्रिक पड़ा हुआ था, इस फैब्रिक को हम यूज़ करेंगे बॉटम में, स्लीव्स पे और नेक पे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर हम स्लीव्स में ना नीचे की साइड जो है वो डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले फैब्रिक को निकाल लेंगे। तो ये साइड से इस तरीके से डिज़ाइन आ रही है, तो यहाँ से जो है मैं इस तरीके से 10 इंच लूँगी। तो ये चौड़ाई में 10 इंच लिया है और लेंथ में जो है मैंने 9.5 इंच, ठीक है, 9.5 इधर साइड से और 10 इंच इस साइड से मेज़र करेंगे और इस तरीके से इसको कट करके निकाल लेंगे। तो ये जो है हमने एक साइड की स्लीव्स के लिए कर लिया। अब जो दूसरी वाली स्लीव्स है उसके लिए भी हम सेम मार्किंग के साथ जो है इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे दोनों स्लीव्स के लिए फैब्रिक कट कर लिया है। अब जो हमारे यहाँ पे टॉप पार्ट हमने निकाला था उसमें से जो स्लीव्स निकली थी हमारी वो मैंने अलग कर ली हैं। ऊपर साइड से हम स्लीव्स जो है लगभग 9 इंच तक प्लेन रखने वाले हैं, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम 10 इंच को जो है इस तरीके से कट कर लेंगे। इसमें से हमारी 1 इंच जो है वो मार्जिन चला जाएगा, तो ये हमारी रेडी 9 इंच आ जाएंगी। और बाकी जो है नीचे हमारा ये जो हमने कट किया है इस तरीके से हम इसको प्लेट्स डाल के इसको डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। अभी इसको हम साइड करते हैं। अब जो ये बचा हुआ फैब्रिक है जो हमने लिया था इसमें से हम ना फ्रिल निकालेंगे, जो हमारा बॉटम है उसके नीचे हम जो है फ्रिल ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारी फ्रिल की लेंथ रहेगी वो रहेगी 5 इंच और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पर जितना हमारा घेर आएगा बॉटम का उसका मैंने यहाँ पे डबल किया हुआ है। इस तरीके से मैंने जो है इस फ्रिल को कट कर लिया। अब ये वो वाला फैब्रिक है जो हमने निकाला था कुर्ती में से बॉटम के लिए। इस तरीके से इसकी चौड़ाई 23 इंच है और हमें जो इसकी लेंथ रखनी है वो रखनी है यहाँ पर 12 इंच। इस तरीके से हम 12 इंच पर मार्किंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक हटा देंगे। अब इसमें मैंने प्लाजो वाला फैब्रिक भी ऐड कर दिया है, तो ये हो गया हमारा 36 इंच, ठीक है। और ये जो है नीचे की फ्रिल है इस तरीके से जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है इस तरीके से हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमारा पूरा बॉटम कट के रेडी हो गया। अब इसको साइड करते हैं। अब जो है ये हम कट करेंगे टॉप पार्ट को। तो टॉप पार्ट आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से दोनों को अलग कर लिया है, स्लीव्स हमने पहले ही रेडी कर ली हैं। अब यहाँ पर ना मुझे नेक चेंज करने हैं दोनों के, फ्रंट और बैक।
हमने इस तरीके से डबल किया हुआ है। यहाँ पर मैं नेक की लेंथ रखूँगी 6.5 इंच एंड विड्थ मैंने रखी है यहाँ पे 3 इंच। इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है फ्रंट में शेप दिया है। तो ये हमारा जो है फ्रंट के लिए हमने कट किया है। अब जो हमारा ये वाला फैब्रिक था इसको हमें जो है नेक पे यूज़ करना है, जैसे कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर जो हमारा टॉप पार्ट है इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रखा हुआ है एंड ये जो फैब्रिक है इसको भी मैंने फोल्ड करके रखा है। नेक वाली साइड से बिल्कुल बराबर करके रखना अब है। जो हमने फ्रंट पार्ट की जो नेक की लेंथ रखी है उससे लगभग मैंने 3 इंच ऊपर जो है इस तरीके से मार्किंग करते हुए वी शेप को मैंने यहाँ पर आर्म होल वाली साइड के लिए ड्रॉ किया है। एंड ऊपर मैंने जो नेक रखा है वो यहाँ पे 2 इंच का रखा है और विड्थ हमने 3 इंच रखी है। अब इस तरीके से हम जो है इस पैटर्न को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो ये जो है इस तरीके से हमारा जो ये पैटर्न है यहाँ पर आ जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आर्म होल वाली साइड हम उसको बराबर करके कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे टॉप पार्ट रेडी कर लिया, वो भी फ्रंट वाला। और बैक पार्ट में हमें कुछ करना नहीं है क्योंकि बैक पार्ट प्लेन रहेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है बैक का नेक मैंने ये बॉक्स वाला रेडी किया हुआ है। अब जो है हमने यहाँ पे लाइनिंग के लिए फैब्रिक लिया था जो कि हमने प्लाजो से लिया था, तो मैंने उसी को रख के यहाँ पे जो है इस तरीके से लाइनिंग की कटिंग कर ली है। तो दोनों जो है मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है फ्रंट और बैक पार्ट की। अब जो है हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने कहाँ से क्या क्या निकाला है। अगर आप इस ड्रेस को फैब्रिक से बना रहे हैं तो आप उसी अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। अब जो है हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम जो है लाइनिंग से इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट रेडी कर रहे हैं। तो लाइनिंग के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रखा है। दोनों शोल्डर और जो हमारा नेक है उस पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे कट लगा के अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो नेक जो है मैं अलग से रेडी नहीं करूँगी। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब जो है हम यहाँ पे टॉप स्टिच लगा के इसको कंप्लीट करेंगे और बाकी का जो फैब्रिक है उसको भी हम लाइनिंग से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने जो है हमारा फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है। तो ये जो है नेक अब हम अलग से रेडी नहीं करेंगे। अगर आप अलग से रेडी करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अब जो हमने ये पैटर्न कट किया था इसको हमें इस तरीके से रखना है एंड नीचे वाली साइड और ऊपर गले पर हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम गले पर जो है वो पाइपिंग लगा लेंगे। तो ये जो है मैंने ओरेप शेप पट्टी ली हुई है लगभग 1.5 इंच की। यहाँ पर हम जो है उल्टी साइड से जो है इसको लगाएंगे एंड सीधी साइड के लिए इसको फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें जो है नेक पे पाइपिंग लगानी है। तो ये मैंने जो है ब्लैक कलर के लिया हुआ है, आप सेम कलर का भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो है यहाँ पे एक साइड के लिए अटैच कर लिया है पाइपिंग को। अब यहाँ पर ना छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसको हम जो है इस तरीके से सीधी साइड के लिए फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो ये जो है ये हमारी पाइपिंग इस तरीके से रेडी हो जाएगी। तो ये हमने नेक पे जो है इस तरीके से इसको रेडी कर लिया है। अब जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर भी हमें जो है पाइपिंग को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं सेम कलर की जो पाइपिंग है वो यूज़ कर रही हूँ, इसको भी मैंने इस तरीके से ओरेप शेप में कट कर रखा है। अब नीचे की साइड जो है मैं दो पट्टियाँ अटैच करके इसको भी फोल्ड कर दूँगी। तो इसको रेडी करने के बाद अब जो है हम इसको सबसे पहले शोल्डर वाली साइड से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने इसको दोनों शोल्डर से अटैच किया, उसके बाद जो आर्म होल वाली साइड है इस तरीके से हम दोनों साइड के आर्म होल से इसको अटैच करेंगे। बीच में जो है वो झोल नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है हम इसको अटैच कर देंगे। एंड यहाँ पर जो नेक वाली साइड है यहाँ से भी मैंने इसको स्टिच कर दिया था जिससे कि ये उठे नहीं।
तो इस तरीके से हमने जो है इस पैटर्न को यहाँ पर अटैच कर लिया है प्रॉपर। तो ये जो है इससे काफ़ी अच्छा लुक आया था इसका। अभी जो है हम इसके बॉटम को रेडी करेंगे। तो हमने जो ये सारी फ्रिल कट की हुई हैं, सबसे पहले इनको ज्वाइन करेंगे और उसके बाद नीचे वाला जो फैब्रिक है उसको हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो ये जो है हम पूरी जो भी फ्रिल है हमारी जितनी भी लंबी है पूरा जो है इस तरीके से नीचे से उसको फोल्ड करेंगे। अच्छा, फोल्ड करने के बाद अब जो हमारा बॉटम है उसमें भी हमने यहाँ पे आपको देखा होगा जॉइंट आए थे, तो वो जॉइंट पहले हम लगाएंगे। जब सारे जॉइंट अटैच हो जाएंगे उसके बाद जो हमने फ्रिल रेडी की है उसको अब हमें अटैच करना है। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हम प्लेट्स नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी प्लेट्स डाल के हमें जो है इस तरीके से इसको अटैच करते जाना है। तो पूरा जो बॉटम है उसमें हमें इस तरीके से ही फ्रिल को अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये बॉटम रेडी हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया है, बॉटम में मैंने लाइनिंग का यूज़ किया हुआ है। तो मेरे पास ना ये कॉटन का फैब्रिक पड़ा हुआ था तो मैंने जो है इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया है। इसकी लेंथ जो है मैंने यहाँ पे ली है 12 इंच, और जो है यहाँ पे मैंने ज़्यादा घेर नहीं रखा है, इसमें बहुत ही कम घेर रखा है कि मतलब चलने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से मैंने जो है इसको कमर के साइज़ का कर लिया था। अब जो हमारा बॉटम का पार्ट था उसमें हम इस तरीके से प्लेट्स डालते जाएंगे और इसी फैब्रिक के बराबर कर लेंगे, क्योंकि इस फैब्रिक को ना मैंने कमर के साइज़ का कर लिया था। तो जो भी आपका कमर का साइज़ है उस अकॉर्डिंग आपको प्लेट्स डाल के सेट कर लेना है। यहाँ पर जो मैंने प्लेट्स डाल के कमर को रेडी किया है वो मैंने की है यहाँ पे 32 की कमर, क्योंकि इसमें हमारा मार्जिन भी रहेगा। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से बॉटम को रेडी कर लिया है एंड यहाँ पर जो है हमने लाइनिंग भी यूज़ की है। इस तरीके से बॉटम रेडी होने के बाद अब हम यहाँ पर जो स्लीव्स है उसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो स्लीव्स है उसमें ऊपर वाली जो स्लीव्स है वो तो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, जैसे हमारी नॉर्मल स्लीव्स होती है। नीचे वाला जो फैब्रिक है उसमें हमने जो है प्लेट्स डालनी है। तो हमने जो ये फैब्रिक लिया है ये हमारा सिंगल में रहेगा 20 इंच। तो हम जो है इस तरीके से इसको छोटे छोटे प्लेट्स डाल के सेट करेंगे एंड आप सेंटर में मार्क लगा लीजिएगा जिससे कि आपको इसे अटैच करने में इजी रहे। तो यहाँ पर जो है हमने इसको अटैच कर लिया है। तो ये जो है इस तरीके से प्लेट्स डाल के अटैच हो गई हैं। अब नीचे वाली साइड से मैं इसको जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने लिया है वो मैं फोल्ड कर दूंगी, क्योंकि हम इसमें से इलास्टिक डालने वाले हैं बाद में। तो अभी जो है मैं इसको सिलाई लगा के ऐसा ही छोड़ दूंगी। तो इस प्रकार हमारी जो स्लीव्स हैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं। केवल नीचे वाली साइड हमें इसमें इलास्टिक डालनी है अपनी कलाई के साइज़ की। तो ये हमारी स्लीव्स यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे हमारा टॉप पार्ट। तो हमने फ्रंट पार्ट को नीचे रखा है एंड बैक पार्ट को उल्टा रखा है। यहाँ पर दोनों के शोल्डर अब हमें अटैच करने हैं। शोल्डर यहाँ पर हमने अटैच कर लिया है, अब इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम यहाँ पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स अटैच करते हैं सेम वैसे ही हमें इसको अटैच कर लेना है। अब हम दोनों साइड की जो स्लीव्स हैं उनको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स जो हैं वो अटैच हो चुकी हैं। दोनों साइड की स्लीव्स अटैच होने के बाद अब जो है हमें इसकी फिटिंग करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इलास्टिक डाल दी है इसमें। अब यहाँ पर हमें इसकी फिटिंग करनी है। तो अभी जो है मैं केवल एक साइड की फिटिंग करूँगी, बॉटम अटैच करने के बाद हम दूसरी साइड की फिटिंग को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम एक साइड की जो फिटिंग है उसको लगा लेते हैं। फिटिंग करने के बाद अब जो हमने यहाँ पर बॉटम रेडी किया था उसको अब हम टॉप पार्ट से अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से एक साइड का अब जो है ये ओपन है और एक साइड से हमने सिलाई लगा ली है। अब जो हमने टॉप पार्ट में एक साइड की जो सिलाई नहीं लगाई है उस साइड से हम इसको इस तरीके से ओपन करेंगे एंड जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है वो हम अटैच करेंगे। तो इस तरीके से जो है ये आपको ध्यान रखना है, बॉटम वाला जो पार्ट है वो आपके टॉप पार्ट की जो कमर है उससे बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमने इसको अटैच कर लिया है। बॉटम अटैच होने के बाद अब जो हमारी एक साइड की सिलाई ओपन है अब इस सिलाई को भी हम अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो हमने जो मार्किंग की है बस उसी पे सिलाई लगा के इस साइड की फिटिंग भी कंप्लीट करेंगे।
यहाँ पर हमारी फाइनल फिटिंग हो चुकी है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ये है हमारी इस फ्रॉक का फाइनल लुक। आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। आज की इस वीडियो में हमने पुराने कपड़ों से इस प्यारी सी ड्रेस को रेडी किया। बहुत ही आसान सी कटिंग और स्टिचिंग थी इसकी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो स्टिचिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी ड्रेस शेयर करने वाली हूँ। चलो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।